हाय बच्चों, देखिए कक्षा 10 से हम लोगों ने पिछले पैराग्राफ में तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग को हम लोगों ने पढ़ा था और धनुष भंग के ठीक समाप्त होने के बाद वन पथ पर उस समय का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि जिस समय अयोध्या से पुरुषोत्तम राम और उनके छोटे अनुज लक्ष्मण और उनकी भार्या सीता यानी उनकी पत्नी सीता 14 वर्ष के लिए वनवास को जाते हैं, उस समय का वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद्यांश में बड़े ही मार्मिक शब्दों में उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? पुरते निकस रघुभर वध धीर धीर धय मग में दौद। यहां बड़ी ऊंची बात उन्होंने लिखा है, पुर मने होता है नगर या महल, ते मने वे होता है निकसी मने निकलना, रघुवीर मने राम, बद मने उनकी पत्नी सीता, धीर धीर धय यानी अपने मन में संकुचित भाव को अपने मन में धैर्य लिए, मग मने मार्ग में, डग मने दो यानी डगर में दो। जैसे वो राज से अपने महल से राम लक्ष्मण सीता निकले थे, अभी दो कदम अपना उस नगर में के डगर पे रखे हुए थे, पथ पे रखे हुए थे, उस समय का झलक की भरी भाल कर जल की पुट सुख गए मधुराधर वय। जब वो पैदल चलती हैं तो झलक की भरी भाल मने होता है माथे से, जब वो पैदल चलती हैं तो उनके माथे से जल की बूंदे टपकने लगती है और पुट सुख गए मधुराधर वे, उनके जो ओंठ है क्या हो गए थे, सूख गए हैं। फिर बुझती है, वो समझती है, वो क्या कहती है, चलनो अब केतक पर्ण कुटी करिहो कित धाय। अब इस चलने की प्रक्रिया को सोच समझ करके वह क्या पूछती है सीता जी पुरुषोत्तम राम से, कहती हैं कि चलनो अब केतक, मतलब अब हमको कितना दूर, अभी हम लोग को कितना दूर चलना है और चल करके प्रण कुटी करियो कि हम लोगों की प्रण कुटी कहां बनेगी। तियकी लख अतुलता पिय की अखिया अति चारु चले जल है। ती मैंने अपनी पत्नी की दशा को, मनोदशा को लख कर मैंने देख कर, आतुरता मैंने व्याकुलता को, पिय मैंने उनके पति राम, अपनी पत्नी सीता जी की दिल की व्याकुलता को देख करके पुरुषोत्तम राम की आंखों में क्या होने लगा, जल की बरसात होने लगी, उनके आंखों से पानी गिरने लगा। वो कहने लगे कि यह राजमहल में रहने वाली सुकुमार आज ऐसी स्थिति में हमारे साथ पैदल चल रही हैं और जंगल के वन को हम जा रहे हैं जो कभी इतने दुखों को नहीं सहा और आज मेरे साथ इतने बड़े दुख को सहन कर रही हैं। इस बात को सोच करके राम के आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। अब जो है जब कुछ दूर चलते हैं और आगे तो सीता जी को प्यास लगती है और वहां जो है प्यास लगने के बाद पानी की बात करते हैं तो इस भाव को लक्ष्मण को प्रस्तुत करते हैं तो वह लक्ष्मण जी जल लेने जाते हैं और एक जगह वो दोनों राम और सीता जी दोनों लोग खड़े हो जाते हैं तो उस समय का तुलसीदास वर्णन करते हैं कि जल को गए लखन है लाल का परिखो पिए छाह घरिक है खाट। वो कह रहे सीता जी राम से कि लखन जी पानी को गए हैं तो पानी जब तक नहीं लेके आ रहे हैं तब तक छाह घरिक मतलब क्षण भर के लिए हम लोग किसी छाह पर चल करके पेड़ के छाए में हम लोग क्या हो जाए, ठाड़ हो जाए, खड़े हो जाए। पोच पसेव बयाज कर, वो सीता जी कह रही हैं पुरुषोत्तम राम से कि हे स्वामी पोच पसेव, पोच मने पोच देती, पसेव मने पसीना, बयाज कर मैं अपने आंचल से आपको क्या कर देती, पंखा कर देती, पसीना पोच करके हवा होंक देती, और पाय पर पखरी हो भूभर खाड़े, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम आपको पसीना, आपके पसीने को पूछ करके क्या कर देते हैं,
हम आपको सुख देने की अनुभूति करते हैं। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब कौ कंटक काढ़े। अब राम जी इस जब बात को सीता जी के मुखारविंद से सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सीता जी काफी थक गई हैं और इन्हें आराम करने की आवश्यकता है। तो इस बात को रघुवर अर्थात राम जी समझ गए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस भावना को राम जी जब समझते हैं तो प्रिया श्रम जाने, यानी अपनी प्रिया मतलब अपने सीता जी की श्रम माने थकावट को जानकर एक जगह बैठ जाते हैं और बैठ करके क्या करते हैं, विलंब लव कंटक काढ़े। चलिए उनके आने में विलंब होता तब राम जी क्या करते हैं कि उनके पैरों की क्या कर रहे हैं, जो कांटे गड़े हुए हैं उनको निकाल रहे हैं और निकाल रहे हैं। जानकी ना को नेह लखो, जानकी जी अन्य अर्थात सीता जी की हृदय की वेदना को लख करके पुनको तनु बाल विलोचन बाढ़े। अब क्या होता है कि अब इस बात को सोच करके पुरुषोत्तम राम के आंखों से बाल इतने होता है जल, आंखों से जल की क्या होने लगती है, बरसात होने लगती है। इस दशा को देख करके लक्ष्मण जी गए हैं पानी के लिए। जब तक पानी लेके आते हैं तब तक हम लोग किसी छांव में खड़े हो जाते हैं और उनकी प्रतीक्षा करते हैं और मैं आपका पसीना पोंछ करके आपको हवा कर देती हूं और हम लोग किसी छाये में खड़े हो जाए। इस बात को रघुवर जी यानी राम जी अपनी पत्नी की द्रवीता को समझ करके वह एक जगह बैठ करके उनके पैरों में गड़े हुए कंटक को निकाल रहे हैं और इस दशा को देख करके पुरुषोत्तम राम के आंखों से बरसात होने लगती है, जल की बरसात होने लगती है। ये आपके बीच कक्षा 10 से वन पत्र से रघुवर की जो वन को लोग जा रहे हैं तुलसीदास की रचना है और हमें आशा होगा कि ये आपको समझ में आया होगा और ये अपना नोटबुक्स अपने माध्यम से बना लेंगे। इसको हम अपने माध्यम से संक्षेप में रख रहा हूं इसलिए कि वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो ये देखने और सुनने में काफी कठिनाई होती है, इसलिए आप अपने स्तर से इसको समझ करके इसकी नोटबुक तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।